आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता कार्यकर्ताओं से मिलने अंबाला पहुंचे हैं। इस मौके पर सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 महीने से हमारे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर हैं, परंतु भाजपा सरकार की उदासीनता के कारण वार्तालाप के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। भाजपा के नेता किसानों को नशेड़ी, फालतू लोग और आतंकवादी बोलते हैं, तो कभी किसानों को पाकिस्तान और चाइना से जोड़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान तो अपनी इच्छा से मर रहे हैं। 26 जनवरी को भाजपा नेता और दीप सिद्धू की अगुवाई में लाल किले पर ड्रामा किया गया। किसानों पर राजद्रोह के केस किए गए हैं। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए भाजपा विधायकों की अगुवाई में किसानों पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे बड़ा आंदोलन नहीं देखा। सुशील गुप्ता ने बताया कि 4 अप्रैल को जींद में आम आदमी पार्टी द्वारा किसान महापंचायत रखी गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस किसान महापंचायत में 50,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आज मैं अंबाला के किसानों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचा हूं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर किसानों को जींद किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए निमंत्रण देंगे। जजपा को किसानों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था, लेकिन ये गठबंधन सरकार किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है और किसानों को आतंकवादी बता रही है। हाँ नमस्कार, आज मेरा अंबाला आने का मकसद ये है कि पिछले 4 महीने से हिंदुस्तान के सभी किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, परंतु बीजेपी की केंद्र की सरकार बहुत उदासीन है। अब किसानों से बात की वार्तालाप के दौर भी बंद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसानों से बात नहीं की। कृषि मंत्री जो बात करते थे संसद में, मैंने उनसे कहा भी कि आप 3-3 डिग्री के टेम्परेचर में किसान बैठे रहे, क्या आप 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर भी इनको बढ़ाना चाहते हैं खुली छत के नीचे? ये तीनों काले कानून जिस दिन से आए थे उस दिन से विरोध हो रहा है, परंतु हरियाणा सरकार अहंकार के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी कभी इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी चाइना से जोड़ते हैं, तो कभी पाकिस्तान में इनकी नींद जोड़ते हैं। यहाँ के सांसद जांगड़ा जी किसानों को नशेड़ी और फिजूला व्यक्ति बताते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों की शहादत को कहते हैं कि ये तो अपनी इच्छा से मर रहे हैं। ऐसा व्यवहार 26 जनवरी के दिन बीजेपी के लीडर्स की अगुवाई के अंदर, दीप सिद्धू की अगुवाई के अंदर लाल किले पर ड्रामा किया, किसानों के ऊपर राजद्रोह के केस दर्ज किए, किसानों पे उसी रात शाम के इस आंदोलन को कुचलने के लिए बीजेपी के विधायकों की अगुवाई के अंदर पत्थर बरसाए गए, परंतु किसानों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है, चाहे बॉर्डर पर वाईफाई लगाने की बात हो, बिजली पानी की बात हो, शौचालय सफाइयों की बात हो, भोजन सेवा के प्रबंध की बात हो, या केंद्र सरकार ने जब स्टेडियम बना जेल बनाने के लिए मांगे किसानों को रखने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं ये अन्नदाता है, इसकी सेवा कर सकता हूँ, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इनको जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं दे सकते। पिछले 4 महीने से लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान, बुजुर्ग किसान, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे बॉर्डर के ऊपर लगातार बैठे हुए हैं, परंतु सरकार ना बात करने के लिए तैयार है, ना तीनों काले कानून वापस लेने के लिए तैयार है। आगे इस रणनीति पे चर्चा करने के लिए 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे जींद में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 50,000 किसान आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज अंबाला आने का भी मेरा मकसद यही है कि अंबाला के किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जींद पहुँचें और किसानों के समर्थन के अंदर वहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आगे का फैसला तय करें। किसानों तक कैसे पहुँचे? हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, एक एक गाँव में जाएंगे और किसानों को इन्वाइट करेंगे। आज इनविटेशन पत्र मैं लेके आया, मेरी गाड़ी में से मंगवाना भैया, मेरी इनविटेशन पत्र भी हम उनके लिए लेके आए हैं। एक एक गांव में जाएंगे और उनको न्योता देंगे। देखिए, बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, जेजेपी को तो विशेष तौर पे किसानों ने वोट दी,
और ये किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को चाइनीज बता रहे हैं। ये भूल चुके कि ये किसान जिन्होंने आपको गद्दी पे बैठाया था गद्दी से उतार भी सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किसान और मजदूर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज अम्बाला में जब हम आए हैं तो इस बात को देख रहे हैं, और गाँव के अंदर बहुत से गाँव में बोर्ड लग चुका है कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों का आना मना है। खुद मुख्यमंत्री जी करनाल में अपनी रैली नहीं कर पाए थे, खुद हरियाणा के गृह मंत्री अपनी नहीं कर पाए, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को आज पूरे हरियाणा के अंदर लोग इज्जत के नज़र से देख रहे हैं और किसानों ने इन्वाइट किया और अरविंद जी वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, किसानों की जमीन को गिरवी रखने का पूरा प्रावधान बीजेपी की सरकार ने कर दिया। किसानों की फसल अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के यहाँ एक तरीके से बीच दी गई है। मजदूर और किसान दोनों अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार जो मर्जी कहती रहे, परंतु सरकार अगर ये बात नहीं समझती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार कहती है कि इस कानून में बहुत सी कमियां, उनको बदल लो। किसान कहते हैं डेथ का वारंट पे साइन है, या तो मृत्यु होती है या नहीं होती, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। सरकार कहती है कि 2 साल के लिए इस को कानून को हम टाल देते हैं। मतलब क्या, अगर 2 साल के लिए टालने के लिए तैयार हो आप इसकी कमियां हटाने के लिए तैयार हो, आप इसको बदलने के लिए तैयार नहीं। आप ये चाहते हैं एक बार आंदोलन खत्म हो जाए दोबारा लागू कर दें। तो जनता और किसान आज सरकार पे विश्वास करना बंद कर चुका है। आम आदमी पार्टी किसानों के हर एक्शन के साथ है, और मोरल तौर पे तो ये सरकार खत्म हो जानी चाहिए, इनको भंग हो जानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।